उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश और खेल को बढ़ावा देने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान पर बीजेपी के बड़े नेतागण पधार रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के सांसद दिनेश लाल यादव ने खेल महोत्सव में आकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि मेरा सौभाग्य है कि खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र में खेल महोत्सव का आयोजन कराऊंगा। इसका नाम है सांसद खेल महोत्सव। खेल प्रतियोगिता हमने नहीं कही, इसको खेल महोत्सव है ये। और महोत्सव है तो निश्चित रूप से इस महोत्सव में उत्सव के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कल रोहन जेटली जी DDCA के अध्यक्ष आए थे, हमारे आदेश गुप्ता जी आए थे, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी आए थे और आज दिनेश लाल यादव जी, जो इस समय पूरे देश के लिए एक सनसनी है, आजमगढ़ सीट से जहां से अखिलेश यादव जी चुन के आते थे, वहां से पहली बार स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद बना है। और सबसे सुंदर बात ये है कि वो सांसद के साथ साथ एक बहुत बड़ी शुरुआत के हकदार भी हैं। वो एक क्रिकेटर भी हैं, एक्टर तो हैं, वो गाना गाते ही हैं, लेकिन उनका आजमगढ़ जीतने के बाद पहला कोई कार्यक्रम दिया उन्होंने तो हमारे क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव में दिया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और मैं समझता हूँ अभी आने वाले दिनों में बहुत लोग चीफ गेस्ट यहाँ आएंगे। आज दिनेश लाल यादव का आना इस क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों को एक पुनः पैगाम है कि आप कोई हों, आप क्रिकेट खेलते हों, फुटबॉल खेलते हों, मेल हों, फीमेल हों, आप एथलीट हों, आप वॉलीबॉल खेलते हों, आप सभी लोग आ करके 17 तारीख के पहले तक इस ग्राउंड पर रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि हमको अगला टूर्नामेंट कराने में फ़ायदा हो सके। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये 4 साल से चल रहा है और मेरे बड़े भैया जहाँ भी रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं ताकि लोगों को जो है उत्साह मिले, प्रेरणा मिले। और खेल तो सबसे मुझे लगता है कि जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि इससे लोगों के जीवन में ऐसी प्रेरणा मिलती है कि आदमी खेलता है, जीतता है, हारता है और फिर से खेलने के लिए तैयार होता है। तो ये बहुत ही अपने हमारे सबके जीवन के लिए भी उपयोगी हिस्सा है और इस खेल भावना से जुड़ के हम समाज के लिए भी बहुत सारा काम कर पाते हैं। तो ये तो बहुत पहले से इन्होंने शुरुआत किया था, जब फिल्मों में भैया सक्रिय थे तो वहाँ भी हमारे टीम के कैप्टन यही हैं, हमारे मनोज भैया ही हैं और आज भी यहाँ भी हमारे कैप्टन यही हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं के निर्देशन में हम लोग आगे खेलते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो आज जब अवसर मिला यहाँ पे आने का इस खेल महोत्सव में तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि भैया जो इस तरह का एक कार्यक्रम कई सालों से करा रहे हैं उसमें मुझे भी मौका मिला आने का और मैं इनसे प्रेरणा लेके बहुत सारा कार्य करता रहता हूँ जीवन में। तो यहाँ से भी एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ कि मैं बरसात के बाद अपने आजमगढ़ में भी इस तरह का एक खेल का महाकुंभ कराऊंगा। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमें ऐसी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तलाश है जिनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पा रही है। ऐसे खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम 5 साल से इस खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। हमने पहले भी नारा दिया था कि गली गली से खेल की प्रतिभा को चुनकर लाना है, खेल खेल में यमुना जी को स्वच्छ बनाना है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि क्रिकेट के अलावा भी खेलों की योग्यताओं का आयोजन कर रहे हैं और खिलाड़ी के मनोबल को भी बढ़ा रहे हैं ताकि आगे चलकर क्षेत्र के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकें। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।